आमजनों की चिकित्सा सुविधा को लेकर सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। निशुल्क चिकित्सा सुविधा के साथ सरकार उन्हें दवा भी उपलब्ध करा रही है, लेकिन नगर क्षेत्र में कुछ ऐसे निजी चिकित्सक और संचालक हैं जो सरकारी अस्पताल के स्तर पर मिलने वाली दवाइयां को बेचने में लगी है, जबकि कोई भी सरकारी दवाई को निजी मेडिकल स्टोर पे नहीं बेचा जा सकता है। पश्चिम आजमगंज के सोहनलाल चौक के समीप एक निजी क्लिनिक संचालक द्वारा बिहार सरकार द्वारा नोट फॉर सेल की दवा मरीज को मुफ्त में दी जाती है। उसके एवज में वसूले जा रहे पैसे को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग और अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की गई। एसडीओ साहब के द्वारा मुझे कहा गया कि वहां पर आइए, सीओ साहब सब जा रहे हैं और वो पेपर में निकला है, इसी बात जाकर के छापामारी कीजिए। क्या बात सर? अवैध मेडिसिन के बारे में। जी जी, इसमें क्या क्या अभी तक अभी मतलब सील हो गया, उसको देखने में पता चल रहा है वास्तव में बहुत बहुत प्रकार का मेडिसिन पड़ा हुआ था घर में जिसको सील किया गया। और तो हाँ, और क्या क्या मशीन भी है सर? अल्ट्रासाउंड, हाँ मशीन भी, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ECG और बहुत सारे मशीन पाए गए जिसको कि सील कर लिया गया है। और दो पेशेंट जो यहाँ पर सीजेरियन थी उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये अवैध क्लिनिक चला रहे थे? अवैध क्लिनिक चला रहे थे। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर लाल बहादुर गुप्ता, डॉक्टर भी गुप्ता। रविवार की देर शाम पश्चिम आजमगंज स्थित निजी क्लिनिक संचालक विनोद कुमार के क्लिनिक में ड्रग्स इंस्पेक्टर अजय कुमार, अंचला अधिकारी हलेंद्र कुमार सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर LV गुप्ता, थाना अध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह ने छापेमारी की। इस दौरान क्लिनिक से एक अल्ट्रासाउंड मशीन, एक ECG मशीन और भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बरामद की गई है। अधिकारियों ने क्लिनिक संचालन विनोद कुमार के क्लिनिक के हर कमरे की तलाशी ली और गहन छानबीन किया। इस दौरान निजी चिकित्सक अपनी पत्नी के साथ भागने में सफल रहा। फिलहाल क्लिनिक संचालन और उसकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और क्लिनिक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अपना मुंगेर के लिए नंदन कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।